बहुत बड़ी मतलब भक्त तो नहीं कह सकती हूँ, इनके दास हूँ और बहुत ज़्यादा इनके मतलब प्रेम रहता है कि प्रभु के दर्शन मिलती रहे। हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गोपीनाथ जी मानते हैं मैडम, जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। इनके हाथ में घड़ी पहनी हुई है, जब तक वो पहने रखते हैं चालू रहती है, आप खोल दोगे तो बंद हो जाएगी। कोई जमाने में सबसे बड़ा मंदिर था, गोविंद देव जी का मंदिर भी उसके बाद में हुआ। छब्बीस अगस्त को पूरा भारत देश जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाने वाला है, लेकिन छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर शहर में ठाकुर जी का एक ऐसा विग्रह है जिसकी अपनी ही एक मान्यता है, जिसकी अपनी ही एक पहचान है, और पूरे विश्व में वो विग्रह, वो मंदिर जो हर जगह विख्यात है और हर कोई उसकी बात करना चाहता है। तो फिलहाल मैं लीजा जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ में, तो सभी का पंजाब के श्री राजस्थान में नमस्कार। तो जन्माष्टमी का अवसर है और ठाकुर जी की बात हो रही है, तो ठाकुर जी हमेशा से अपनी लीलाओं के लिए, अपने चमत्कारों के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं, हमेशा उनकी मान्यताएं रही हैं और हर एक अपने मंदिर की अपनी एक मान्यता है। तो ठाकुर जी के विग्रह की मैं बात कर रही थी, तो ठाकुर जी के देखा जाए तो मुख्यतः तीन विग्रह माने जाते हैं, जिनमें से एक विग्रह जो फिलहाल मौजूद है छोटी काशी में, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ गोपीनाथ मंदिर की, जहाँ पर मैं अभी आ पहुँची हूँ। इस मंदिर की क्या खास मान्यताएं हैं, क्या इसकी एक अलग पहचान है जिस पहचान के चलते ये पूरे विश्व में फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसको लेकर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठाकुर जी के विग्रहों की अगर बात की जाए तो गोपीनाथ जी का मंदिर उन विग्रहों में से एक विग्रह है, जी हाँ, जिसमें अगर प्रथम विग्रह की अगर मैं बात करूँ तो प्रथम विग्रह जो करौली में जो ठाकुर जी का जो विग्रह मौजूद है, उनके जो चरण हैं वो ठाकुर जी से मेल खाते हैं, तो फिलहाल वो करौली में मौजूद है। दूसरा जो विग्रह है वो फिलहाल गोपीनाथ जी के मंदिर में, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ मौजूद है। और फिलहाल आपको बता दें कि गोपीनाथ जी का ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, आज उस पर भी हम लोग जो है बातचीत करने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो विग्रह है ये उस पत्थर से बना है जो कंस मामा ने, जहाँ पर माता देवकी की अगर मैं बात करूँ तो कंस मामा ने जिस पत्थर पर माता देवकी के बच्चों को पटक कर मारा, उस पत्थर को तोड़ कर ये विग्रह तीन बनाए गए, जिसमें से दूसरा विग्रह ये है। और इस विग्रह की खास बात ये है कि इस विग्रह के जो वक्ष हैं, जो भुजाएं हैं, वो ठाकुर जी से मेल खाती हैं। और तीसरा विग्रह जो है वो है गोविंद देव जी का, जिनका जो मुख है वो ठाकुर जी से मेल खाता है। अगर गोपीनाथ जी के इस मंदिर की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि इस मंदिर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनके हाथ पर जो घड़ी मौजूद है वो पल्स से चलने वाली घड़ी है। अब लेकिन उस घड़ी का भी अपना ही एक अलग इतिहास रहा है, एक समय रहा। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि गोपीनाथ जी का ये मंदिर यहाँ पर कब आया, कब इसमें स्थापना हुई, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले गोपीनाथ जी की अगर मैं बात करूं, इस शिला की मैं बात करूं, इस प्रतिमा की बात करूं, तो ये यमुना नदी के वंशी घाट पर मिली। वहां से महंतों ने जो है वहां पे उन्हें जब मिली, उसके बाद पूजा अर्चना होने लगी। फिर औरंगजेब का राज आया, वहां पर जब औरंगजेब ने इस प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया, मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, तो बसते बसाते ये ठाकुर जी की प्रतिमा जो है वो जयपुर पहुँची। लेकिन जयपुर में भी इस गोपीनाथ मंदिर में आने से पहले ये प्रतिमा कहाँ थी वो मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, तो ये प्रतिमा थी जयपुर शहर के आयुर्वेदिक कॉलेज, वहाँ पर ये प्रतिमा 17 साल तक विराजी गई और वहाँ पर विराजमान रहे ठाकुर जी, जिसके बाद में गोपीनाथ जी को इस मंदिर में, ठाकुर जी को इस गोपीनाथ जी के मंदिर में विराजा गया। तब से लगातार यहाँ पर जो महंत हैं वो इसकी सेवा अर्चना कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं घड़ी की, तो अपनी घड़ी की क्या कुछ मान्यता है उस पर मैं आप बात करने वाली हूँ, जो सबसे ज़्यादा विश्व में
प्रसिद्ध है और इसकी एक अपनी ही एक अनूठी कहानी है। जन्माष्टमी का दिन है और लोग जानना चाहते हैं कि गोपीनाथ जी जो ठाकुर जी के 3 विग्रहों में से एक विग्रह है, सबसे अहम विग्रह जिसे हम कहें, तो दूसरा जो ये विग्रह है जिनकी भुजाएँ और वक्ष जो हैं ठाकुर जी से मेल खाता है, तो यहाँ पर गोपीनाथ जी के मंदिर में जो ठाकुर जी के हाथों पे जो घड़ी है वो घड़ी नब्ज से चलती है, आपकी पल्सेस से चलती है। अब वो घड़ी कैसे हुई, तो आज से काफ़ी समय पहले अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि अगर ठाकुर जी में वास्तविकता में अगर प्राण हैं, अगर इनमें वास्तविकता में जान है, तो ये घड़ी है जो पल्स से चलती है वो बांधो। अब बांधी ठाकुर जी के हाथों में तो वो घड़ी चलने लगी, वो घड़ी काम करने लगी, ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ। ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा देखने को मिली कि वो घड़ी चलने लगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, जब लंबे समय तक वो घड़ी ठाकुर जी के हाथ में रही और जब वो घड़ी ख़राब हुई तो उसके बाद उसको सुधार के लिए कारीगर को दिया गया, रिपेयरिंग के लिए उसे दिया गया। तो जिस ठीक करने वाले को, घड़ी ठीक करने वाले को वो घड़ी दी गई, तो उसने वो घड़ी वापस ही नहीं की। उसके बाद अभी फ़िलहाल ठाकुर जी के हाथों में जो घड़ी है वो उस घड़ी की प्रतिकृति है जिसे ठाकुर जी ने अपने हाथों में बांध रखा है। तो फिलहाल ये मंदिर की सबसे बड़ी इस गोपीनाथ मंदिर की खासियत है। और सबसे दूसरी जो बड़ी खासियत ये है कि जो लोग दर्शनार्थी यहाँ पे आते हैं उनका कहना है इस मंदिर में जो मन्नत मांगो वो मन्नत पूरी होती है। और गोपीनाथ ठाकुर जी का अवतार, और आपको बता दें कि जो ये गोपीनाथ जी के ये जो 3 विग्रहों की मैं बात कर रही हूँ, ठाकुर जी के जो 3 विग्रहों की मैं बात कर रही हूँ, तो ये विग्रह जो हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे व्रजनाभ, उन्होंने अपनी दादी के कहने पे उस पत्थर से, उस शिला से इन 3 विग्रहों को बनाया था, जिसमें से एक विग्रह है जो ठाकुर जी जो विराजमान है वो गोपीनाथ मंदिर में है। और प्रथम अगर मैं विग्रह की बात करूं वो करौली में स्थित है, जिनके चरण भगवान श्री कृष्ण से मेल खाते हैं, ठाकुर जी से मेल खाते हैं। और जो तीसरा विग्रह है वो आपको बता दूँ कि जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में जो प्रतिमा है ठाकुर जी की, उनका जो मुख है वो ठाकुर जी से मेल खाता है, उस प्रतिमा का मुख ठाकुर जी से मेल खाता है। तो ये तो रही खासियत। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आने वाले लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, इस मंदिर की अपनी एक कहानी है, तो चलिए बाकी लोग इस बारे में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। गोपीनाथ मंदिर की अपनी ही एक मान्यता है, अपना ही भक्तों के अंदर अपने प्रभु, अपने आराध्य के प्रति एक अपना ही प्रेम है। तो वो प्रेम जो है गोरखपुर से एक मेरी बहन है, उन्हें यहाँ तक खींच लाया है, और तो उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति कहाँ से आई हैं? ज्योति गोरखपुर से आए हैं। अच्छा जी, तो दर्शन करने स्पेशल आई हैं? स्पेशल दर्शन करने के लिए ही आए हैं। तो खाटू श्याम जी अभी गए थे, अभी इनके आए तभी तो मंदिर बंद है, और इसके बाद से राधा गोविंद जी जाएंगे दर्शन करने जी। कितने सालों से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट टाइम आए जी हैं। तो गोपीनाथ मंदिर के बारे में किसी ने कुछ बताया? सुने तो बहुत थे संत से, वृंदावन हमेशा हम आते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, तो वहाँ पे सुने थे कि गोपीनाथ जी राधा गोविंद जी यहाँ जयपुर में विराजमान है, तो हम सोचे जब आए तो दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन मिल जाए वही बहुत बड़ी भाग है। क्या मन्नत लेके आए? और जन्माष्टमी आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? जन्माष्टमी आ रही है, यहाँ तो जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया, डेकोरेशन चल रहा है, पर उसमें जन्माष्टमी हम वृंदावन में रहेंगे और वहाँ मनाएंगे बिहारी जी के साथ। तो मेरी तो कोई मन्नत नहीं रहती है, मैं बहुत बड़ी मतलब भक्त तो नहीं कह सकती हूँ, इनके दास हूँ, और बहुत ज़्यादा इनके मतलब प्रेम रहता है कि प्रभु के दर्शन मिलती रहे, तो कोई मन्नत नहीं है, बस दर्शन का अभिलाषा, और तो मन प्रभु देख रहे हैं कि भक्तों के क्या चाहिए, क्या अभिलाषा है। गोपीनाथ जी का अपना ही एक अलग प्रेम है। और आज एक हमारी दादी हमारे साथ जुड़ी हैं। दादी जी कहाँ से आई हैं? मन करवाई का। अच्छा, जयपुर से आई हो? हाँ। अच्छा, मंदिर आई हो? मंदिर दर्शन करने आती मंगलवार भी आ जाऊँ तो कभी। गोपीनाथ जी के मंदिर में आप आए हैं, जन्माष्टमी आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, कब से आ रहे हैं मैम आप इस मंदिर में? मैं सही बताऊं, मैं पहली बार आ रही हूं। अच्छा। हाँ, मैं पहली बार आ रही हूं। आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आ रही हूं। तो इस मंदिर में, बाकी में आते हैं, इसमें पहली बार आ रही हूं। यहाँ का आपको किसने बताया इस मंदिर के बारे में? बिटिया ने। बिटिया ने, आपकी बिटिया मुझे लग रहा है काफी ज्यादा भक्त हैं यहाँ की। गोपीनाथ जी के मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान मिलता है, पोशाकें मिलती हैं, तो इसी कड़ी में कुछ लोग जुड़े हैं। अंकल, ये दुकान कब से आप यहाँ पे संचालित कर रहे हैं? 10 साल से मैडम। 10 साल से कर रहे हैं। गोपीनाथ जी की बड़ी मान्यता है, क्या कुछ कहेंगे? गोपीनाथ जी की मान्यता मैडम, जो भी आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने खास करी हैं? आप अपने गोपीनाथ जी को कैसे मनाएंगे? हम तो अपनी शॉप खोल के मनाएंगे गोपीनाथ जी को। अच्छा। अच्छी अच्छी पोशाक रख करके यही करेंगे हम तो। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ स्पेशल तैयारियां की, कुछ पोशाकें ऐसी? हाँ मैडम, पोशाक तो अलग अलग वैरायटी रखते हैं, तरह तरह की पोशाकें होती हैं गोविंद जी की, रखते हैं हम। तो मतलब आप जो हैं कहीं ना कहीं इन सुंदर पोशाकों से ही रिझाने का प्रयास करें। हाँ जी मैडम। गोपीनाथ जी की बड़ी मान्यता है और आपको तो बहुत सौभाग्य मिला, सामने ही आपकी दुकान है, क्या कुछ कहेंगी? मानो तो देवे नहीं तो पत्थर, मन में श्रद्धा होगी, भक्ति होगी तो भगवान होंगे, नहीं है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। जन्माष्टमी आ रही है, आप किस तरीके से अपने गोपीनाथ जी को रिझाने की तैयारियां कर रही हैं? बस अपन तो हाथ जोड़ के श्रद्धा भक्ति से बोलते, कुछ नहीं। ऐसा कोई किस्सा जो आपने सुना हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा? सुना है ना, कोई काफी साल पहले पुराना किस्सा है कि भगवान के लिए भोग लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने भोग नहीं लगाया, तो वो खुद बालक रूप में आके अपना पैर का कड़ा लेके, और वहाँ पे वही शौक थी, वो लेके गए और वहां से मिठाई का थाल लाए और यहाँ पे रखा, फिर महाराज ने चढ़ाया, सुबह देखा तो बोले कृष्ण भगवान के पैर में तो एक कड़ा ही नहीं है, कहाँ गया? तो फिर उस हलवाई ने बोला कि एक मेरे पास ये कड़ा तो मेरे पास आया, ये कोई बच्चे के रूप में आया था, मेरे पास मिठाई का थाल लेके गया। ये चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा आंटी। इंटरेस्टिंग ये भी है, इनके हाथ में घड़ी पहनी हुई है, जब तक वो पहने रखते हैं चालू रहती है, आप खोल दोगे तो बंद हो जाए, आज भी है ये परंपरा। तो कई दूर दूर से आंटी लोग आते हैं मन्नत मांगने यहाँ पे। मैंने कहा ना, श्रद्धा और भक्ति से, मन और भाव से मांगोगे तो मिलेगा, वैसे कुछ। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम गुड्डी देवी। इसी कड़ी में एक बुजुर्ग अंकल भी हमारे साथ मौजूद है। अंकल, कब से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे आप? मेरे को तो यहाँ चौथी पीढ़ी हो गई। चौथी पीढ़ी हो गई? हाँ, पांचवी पीढ़ी में बैठी। गोपीनाथ जी के मंदिर को आप देखते आ रहे हैं शुरू से अंकल को? हाँ, जब से मंदिर आया है तभी से हम लोग आए हुए हैं। अंकल, कोई ऐसा, आपने तो एक उम्र यहाँ बिता दी, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा किस्सा जो आपके रहते रहते आपने देखा हो, गोपीनाथ जी की बड़ी मान्यता है? गोपीनाथ जी की तो मान्यता से खुशी ही है, कोई जमाने में सबसे बड़ा मंदिर था, गोविंद देव जी का मंदिर भी उसके बाद में हुआ, पहले वो तो राजाओं का राज था, तो वहाँ कोई दर्शन करने नहीं आता था, यहाँ गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। तो कोई ऐसा किस्सा, ऐसा चमत्कार जो आपने देखा? नहीं, चमत्कार तो इसका एक ही है, जैसा हमने बुजुर्गों से सुना है, यहाँ पहले एक हलवाई की दुकान थी, तो जब गोपीनाथ जी को रात को सुन भोग नहीं लगाया, रात को मतलब कोई भी सोते एक वक्त भोग लगा देते हैं भाई, कभी भी बच्चा कभी भी उठे तो खा जाएगा, अपना भोजन ले लेगा, लेकिन उसने लेकिन वो भोग का थाल नहीं लगाया, तो गोपीनाथ जी ने क्या किया कि रात को जब भूख लगी तो वो थाल ले गए और अपने पायजेब जो होते हैं ना वो यहाँ रख गए, और फिर सवेरे हल्ला हुआ कहाँ गए कहाँ गए, तो मालूम पड़ा कि थाल वहीं है और पायजेब गोपीनाथ जी। जन्माष्टमी आ रही है, आप अपने ठाकुर जी को कैसे खुश करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं तो खड्डा है, मुझे खुशी करने हैं, तो उनके आशीर्वाद से तो जिंदा ही है, नहीं तो जिंदा ही कैसे रहते हैं।